गुप्ता जी, अब आप ये बताओ, आपकी उम्र करीब 65 साल हो गई, तो आपने जिंदगी में क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया कि ये जिंदगी लोगों को कैसे जीनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे करने चाहिए, इस जिंदगी का रहस्य क्या लगा आपको? कैसे रहस्य ये है, क्या बताएंगे जिंदगी के बारे में? हमेशा वही काम करने चाहिए जो खुद को पसंद है, समझे नहीं, सात्विक जीवन, किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि कोई भी हमें भी धोखा नहीं दे सके। बिल्कुल अच्छी बात है। और आचरण कैसे रखने चाहिए जीवन में? जीवन में आचरण कैसे रखने चाहिए? आश्रम कैसे रहने? आचरण, आचरण सात्विक आचरण रखना चाहिए। अच्छा, समझे नहीं, आचरण ऐसा हो जिससे जो हमें दूसरों के बताने में, दूसरों के साथ करने में कभी संकोच पैदा नहीं हो। अपना आचरण ऐसा होना चाहिए, अच्छा, जो किसी के साथ में भी शेयर करने में संकोच पैदा नहीं हो। तो 65 साल की जिंदगी में आपने क्या जाना? 65 साल की जिंदगी में हमने क्या लक्ष्य है जिंदगी में, कैसे जीना चाहिए, किससे अच्छे लाभ मिलेंगे, क्या करना चाहिए? जाना कि अपना काम समय से करो, समय से अपना दिनचर्या रखो, अपने बच्चों को संस्कार दो और संस्कार युक्त रहो, संस्कार ट्रांसफर करो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये तो अच्छा ज्ञान बताया आपने। बस अच्छी बात है काफ़ी। ये 65 साल का आपका अनुभव रहा जीवन का, एक लंबी आयु है 65 साल की, एक एक्सपीरियंस होता है जीवन में, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस? नशे से दूर रहो, नशे से, ये नशे से दूर रहो। अच्छा, नशा किसी भी प्रकार का हो, हाँ, उसको अपने आचरण में न लाएं, चर्या में मत लाओ। अच्छा, गलत व्यसनों को आदमी को मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एक समय के उपरांत हानिकारक हो जाती है, हानि पहुँचाने लगते हैं, इसलिए व्यसन वगैरह आदमी को दूर रहने चाहिए, ऐसा आपका मैसेज है मतलब। और कारोबार वगैरह में कैसा करना चाहिए? कारोबार तो ऐसा है, देखो जी, हमारा ये मानना है कि भगवान ने 3 तरह के पूत बताती हैं। अच्छा, पूत सपूत कपूत। अच्छा, तो पूत तो वो होता है जो स्टेबल रखता है अपनी परंपराओं को। अच्छा, जो पैतृक से मिला है, हाँ, चाहे वो संस्कार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो किसी तरीके का धन है, तो सपूत होता है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, पूत इसको स्टेबल रखता है और कपूत होता है उसका विनाश करता है। अच्छा, तो हमेशा सपूत बनने की कोशिश करो, सपूत न बन सको तो पूत बनो अपने वाले वजनों। अच्छा, को कभी भी सिर या नाम नीचा नहीं हो, ऐसा। अच्छा, पूत हो गया, सपूत हो गया, पूत हो गया, कपूत क्या है? कपूत यह है कि अब जो खुद भी नहीं कमाता और जो पैतृक संपत्ति का हानि करता है, नुकसान करता है, उसको नष्ट करता है, वो कपूत की श्रेणी में आता है। अच्छा, परिवार का भी नाम डुबाता है, परिवार का भी नाम मतलब किसी तरीके का, और लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है, धन का, संपदा का, समाज का, हर तरीके से वो हानि उससे मिलती है। अच्छा अच्छा, ऐसा आपका संदेश है जनता के लिए, और कोई संदेश आपका? नहीं, जनता के लिए यही संदेश नहीं है, यही संदेश है कि संस्कार युक्त रहो। अच्छा, संस्कार लो और संस्कार दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी के साथ आपकी इंटरव्यू समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।